जयपुर 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 मांझे मथे वसे आसमान से नो रब जो हेल्थ कार्ड जो तो डिसीजन आएगा हम बता रूम ना कि जमात जो खर्चो भी बचनो इनमें ने पांजे जितने मेंबर आनी उन्हीं का भी पैसा बचना करना रहूं मथे ही दुआ बींग ए जैतून वेमेन एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट उतरे जो बदे मेंबरान के ही चाहते हुए कि ई वारो कार्ड अगर आए बनाई गिनो था चाहे जिन तरीके से भी आए कि पैसा देना हूँ आई डी ओ मगर ही कार्ड बनायो ई कार्ड कोई अड़ो ना कि भाई आई समझो कि ये जकात से थी रही है वाइट फंड से थी रही है जो पैसा दी सके तो वो पोते जा पैसा दी रही तो जो ना दी सकनू ऊंझा जमात पची हेल्प करे थी आदम जी जो मकाम बदे जितने भी पांजी कौम जा बच्चा जो ना ही पढ़ी सकना या कोई हायर एजुकेशन गिनी रही ने वो अगर उन्हीं के इशू अची रही हो कि फीस भरन में मसलो है असा जो असा पढ़ाए जे कोई जमात पढ़ाई नहीं कोई मसलो नहीं बस सिर्फ भाई अचो जमात के साथ अचो तो सही मिलो तो सही असा से कि असा कितरो कम करी रही हूं असा कम करने तैयार हूं अस्सलाम वालेकुम द मेमन टीवी के साथ आंजी मेज़बान नरगिस मेमन और इन वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ मजीद पानावाला साहब जो कि जैतपुर मेमन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हैं और दिन रात खुद जी काविशों से खुद जी कम्युनिटी के मजीद ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें जी कोशिश में हैं तो अब जो इवेंट करी आई हूँ उन हवाले से है कि दी मेमन जैतपुर मेमन जमात जो आई वो हेल्थ जो कार्ड इशूज़ करी रही आई सलाम तकाफुल के हवाले से तो पा मालूम करूँ था आसिफ साहब से कि मजीद और किन तरह से लोगों के रिलीफ मिली सके तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अच्छा आसिफ मजीद साहब मैं यही बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है इतनी महंगाई के दौर में जब लोगों ने करी ने वो वक्त जी रोटी मुश्किल आई तो आई करो समझो था कि जैतपुर मेमन एसोसिएशन जो सलाम तकाफुल हेल्थ कार्ड इश्यूज़ करी है तो लोगों के किन तरह से फ़ायदों पहुँचनो यार बेसिकली गाल ही हुई कि अकड़ो पाँजो जैतपुरियन जड़े या कोई भी पाँजी बिरादरी जो हो या मेहमान हो वो हॉस्पिटल जड़े वे तो उनके बिल बनी वे तो एतरो कि उनको खबर ही ना होनी कि 2 लाख से 4-5 लाख रुपया थी वह तो आजकल जो वक्त में आसान ना है कि अकड़ो मिडल कैटी कैलेबर जो माड़ू जो है वो पोते जी सेविंग सजी जाया करी वे तो अगर आए सिर्फ अकड़ो कार्ड बने तो जिनकी कीमत 4,500 से गिनी ना 7,500 रुपया है आए अगर वो कार्ड बनाई गिनो आम बींग ए जैतपुर मेमन एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट पोते जे बदे मेंबरान के ही चाहते हुए कि ई वारो कार्ड अगर आए बनाई गिनो था चाहे जिन तरीके से भी आए कि पैसा देना हूँ आई डी ओ मगर ही कार्ड बनायो सिर्फ इनकी वजह यही है कि नो असा तो जमात में वेठा हूँ ने असा हॉस्पिटल जा वगैरह जा जो असा जा वो माड़ू इन जो अफोर्ड ना ही करी सकना उन्हीं जा असा बिल भरू था तो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया वर जा असा भरू था ने अगर ये बदई असा मेंबर जो 7,000 मेंबर ही निंगड़ी जो वो बदई अगर कार्ड बनाई गिन था ना तो इनजो सिर्फ खर्चो अचे तो 1.47 करोड़ रुपया ने उनमें से भी जो है ना असा जगह 70% माड़ू तो हुई जो पुते अफोर्ड करी सकन था असा जगह अड़ा माड़ू भी आया कि असा जकात से भी कार्ड नहीं बनाई असा क्या है जो है ना कार्ड खाली जो है ना किस्से ते दी दियो कि असा है कि वर्डी में 1,000-1,000 रुपया करी ने 6 महीने में दी दिनाई 500 रुपया करी ने दी दिनाई तो असा ये जैतपुर बिरादरी तो अड़ी आई कि इन्हीं के जकात जो भी वधारे वो ना हाँ 20-25% माड़ू इन जो पॉवर्टी लेवल से नीचे इन तो उन्हीं के जो है जरूरत पूरी थी तो असा उन्हीं ले करी ने भी यूँ हर मेंबर ले करी नहीं हूँ ये कार्ड कोई अड़ो ना कि भाई आई समझो कि ये जकात से थी रही है वाइट फंड से थी रही है जो पैसा दी सके तो वो पोते जा पैसा दी रही तो जो नहीं दी सकनू उनजा जमात पछी हेल्प करे थी आसिफ भाई आप अभी ही सुनील जब स्पीच थी रही हुई तो उन दौरान ही चुन में आवियो के फॉर इमरजेंसी अगर एमआरआई थी सिटी स्कैन थी तो और जाहिर है कुछ घंटों लग करी ने एडमिट करूँ था तो उन सूरत में जो आई वो पहले आए कि पेड़ करनू है पछी जमात देनी
कार्ड इन से स्वाइप कराई गिना ना इन बाद पी उन टाइम से वेव थी वनो जैसे अगर अगर विने तो कोई ने MRI कराए तो या कोई चीज कराए तो ने वो एडमिट हो तो ने उन दौरान ही बड़ी चीजों थी तो ये ऑटोमेटिकली माइनस थी वनना पैसा। अच्छा मतलब अगर जस्ट फॉर कुछ आर लाइ एडमिट थी तो उन लाइ भी रिलीफ आए ना इन चीज लाइ करीने। अच्छा आसिफ साहब ये बता रहे हो कि मजीद और क्रो सेहत के हवाले से सोचो था या क्रो सोची ने जो है हेल्थ कार्ड जो डिसीजन गिनिया बेसिकली हेल्थ कार्ड जो तो डिसीजन आए का बता रूम ना कि जमात जो खर्चो भी बचनो इनमें ने पांजे जितने मेंबरानी उन्हीं का भी पैसा बचना साथ ही साथ अस एजुकेशन के मत बहुत वारे कम करी रहा हूँ जैसे आयो जेतपुर जमात के अंदर में उन टाइम तो तकरीबन 150 से 200 बच्चा पढ़ना हुआ आज अस अलहमदुल्ला 1750 बच्चे के एजुकेशन दी रही है जेतपुर जमात 1750 बच्चे के एजुकेशन दी रही है फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि हालात अड़ा थी वह न आजकल जो दौर जो अची वो है वो हालात थी वह कि आम मू जो है ना जो 25,000 रुपया तनख्वाह जिनकी आई वो बच्चे के पढ़ाई नहीं सकनों घर के अंदर में माँ बीमार है घर किराए जो है 3 बच्चा इन वो बेचारो स्कूल से बच्चे के उपाड़ी गिने तो ने मदरसे में वेराई दिए तो असा जो असा पढ़ाई ना जे तू जमात पढ़ाई नहीं कोई मसलो नहीं तू ना ही पढ़ाई सकने उनकी 2500 से 3000 रुपये अकड़े जाने की फीस है अकड़े बच्चे की 3 बच्चे की फीस 9000-2000 रुपया बनी वे थी तो वो कड़ा से बच्चा पढ़ाई नो असा जो भाई एजुकेशन आज गिनी गिनो तालीम गिनी गिनो ना कल वो मंगन वालों नहीं हो तो ईज असा जो मकसद है कि एम्पावर करो बदे जितने भी पाँच कौम जहाँ बच्चा जो ना ही पढ़ी सकना या कोई हायर एजुकेशन गिनी रहा ने वो अगर उन्हीं के इशू अची रो है कि फीस भरन में मसलो है चाहे वो ओ लेवल्स करी रो है ए लेवल करी एम बी ए करी रो है सी ए करी रो है उन लाइन भी अस फंड कर रखी आयो न अस तो ये सोचू था कि पाकिस्तान से 12 पढ़ल वनो है ना उनकी भी अस जो है ना स्कॉलरशिप दिना बस सिर्फ भाई अचो जमात के साथ अचो तो सही मिलो तो सही असें कि अस कितो कम करी रहा हूँ अस कम कर तैयार हूँ। अच्छा आसिफ अक्रोबियो लास्ट टाइम से सवाल करने इसके जब कार्ड्स की गाल अचे थी या कोई रिलीफ की गाल अचे थी तो लोगों के जहन में ये अचे तो कि कम्युनिटी वाला धक्का खरान था या चक्रू लगान था तो उन सूरत में एक रोच होता लोगों के क्रो पैगाम देना चाहे होता एक्चुअली हम आए कि क्लियर कर दिया कि आज पा 8 अगस्त जनी पाड़ा उभाई ना असि जेतपुर जमात की ऑफिस के अंदर में हकड़ी फाइल भी पेंडिंग ना टोटली बिल्कुल असाजा मेंबरान डेली उड़ा वेन था जो कम हुए तो जो एप्लीकेशन अचे थी उनके नारन था ने उनको जो 15 दिन जो प्रोसीजर है वेरिफिकेशन जो वो करी ने उनके पास करी विजन था अगर वो इनके अंदर में फॉल करे तो अगर उनके पेपर्स पूरा नहीं या अगर उनके अंदर में कोई मतलब जो क्राइटेरिया में ना ही अची रो वो अकड़ी अलग गाल है वो उनके जवाब देने में अची वे तो। आसिफ भाई बता रहो कि द मेमन टीवी जो मेमन कम्युनिटी के दिन रात प्रमोट करने की कोशिश में लगे लो और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के प्रमोट करी हुआ है तो उनमें जो अली गोडेल साहब जी जो मेहनत आई या काविश हुआ है उन हवाले से एक रोच होता और अली गोडेल के दिल की गहराई से मुबारकबाद दिया तो जिन स्पीड में माशाल्लाह ये तरक्की करी रहे छोकरों ने जो मेहनत करी है अली गोडेल वो काबिले तारीफ है ना सिर्फ जेतपुर जमात बल्कि पूरी मेमन बिरादरी के सपोर्ट करी रही है ने आऊँ बींग जेतपुर मेमन एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट आऊँ बरमलाई बदे के मीडिया वाले के चाहो तो स्पेशली अली के कि असा कोई अगर कारे खैर जा कम करी रहा हूँ कोई एडा गरीब की मदद करी रहा हूँ तो जडे उन्हीं के बे जाने के भी खबर पी थी ना कि ये चीज़ जो है ना जमात करी रही है तो वो जडे अचे तो ने इन कम से मुस्तफीज थे तो उनके अंदर में जो असा के सवाब मिले तो उनका 2% भागीदार ये भी इन। थैंक यू सो मच।